हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं सुमन कानपुर से माँ क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है दोस्तों। देख रहे हैं, मैं एक ये वाइट कलर का एक जोड़ा लेकर के आई थी। तो क्योंकि हमारी वे की वही आदत रहती है, क्योंकि उसी एटमॉस्फेयर में रखने के लिए 2-4-6 रोज़ ऐसे रखे रहें कि उसको पता चल जाता है दोस्तों कि नर्सरी से लाने के बाद तुरंत पौधा नहीं लगाना चाहिए। जब भी मैं कभी कोई नया पौधा लगाती हूँ तो आप लोगों को ज़रूर मैं ये बताती हूँ कि कभी भी नर्सरी से पौधे को लेकर के आएँ तो तुरंत का तुरंत उसी में मतलब ट्रांसफ़र मत करें, क्योंकि पौधा शौक में चला जाता है। शौक में क्या है कि वो जब एक तो वहाँ से जगह उसका चेंज होता है, जब जगह चेंज होता है तो पौधा जब ट्रांसफ़र करते हैं तो तुरंत शौक में चला जाता है। जैसे हम ही लोगों को है, कहीं जाते हैं तो जो अपने घर में रहते हैं तो नींद आराम से आती है और आराम से एकदम से फ्री माइंड से रहते हैं। कहीं दूसरे के घर जाते हैं तो उतना फ्री माइंड से नहीं रह पाते हैं और ना नींद उतनी अच्छी आती। इसी तरह पौधे भी होते हैं, पौधे भी आपस में बात करते हैं, बोलते हैं, तो ये जो है देखते हैं कि कैसा माहौल है, क्या है। फिर वहाँ पर जब आ कर के रह जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि तब उन्हें पता चलता 2-4-6 रोज़ में कि मुझे यहीं पर रहना है। तो इसलिए दोस्तों, कब तुरंत आकर के तुरंत पौधे को ट्रांसफ़र मत करें किसी भी प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट ट्रांसफ़र करते हैं शौक में 100% चला जाएगा। कभी कदाप की तो मैं बात नहीं बताती हूँ, लेकिन 100% चला जाएगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए आए हों तो लाइक करें प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनिए आप लोग भी, और दोस्तों चैनल बने रहें। और दोस्तों देख रहे हैं कि मेरे यहाँ जो है अभी ये अरबी घुया को, घुया में क्या है कि इतनी तेज़ धूप अभी समय हो रही है कि देखिए अपने आप पत्ती सब जलने लगे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कितने पत्ते कैसे जल रहे हैं। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, जो ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच गए हैं पत्ते इनके, क्योंकि इसमें इतनी ज़बरदस्त जो डीकम्पोस्ट के लिए मैंने वो डाल रखे थे, ये लौकी तरोई के बेल्स वगैरह थी, वही मैंने नीचे डाल रखा, तो इसमें इतना पोलापन है कि अपने आप इसने खाद बनकर के इस समय रेडी हो गई होगी। और तो इसमें बहुत डेवलप कर रहे हैं पत्ते ये, और दोस्तों देख रहे हैं कैसे सारे जल रहे हैं। और दोस्तों देखें आपने अपने टेरिस पे पौधों को ध्यान में रखें और समय समय पर पानी देते रहें। ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी कभी कभी घातक हो जाती है जो है। देखिए दोस्तों कैसे सभी हो रहा है ये, मैं समय समय पे पानी ज़रूर देते रहें कि उस समय गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी क्या है, इतनी धूप ज़बरदस्ती निकल रही है ये तो धूप मतलब मई जून की गर्मी से भी ज़्यादा एकदम लगती है धूप ये तो। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए, सहयोग करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।